तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे ऐतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी सावन का समय चल रहा है तो ये जो भी हमने कीर्तन गाया था राधे झूलन पदारो झुक आए बदरा, तो ब्रज में गुरुदेव इस कीर्तन को गवाते थे। विशेष रूप से अभी संडे को जो एकादशी आएगी झूलन एकादशी, तो राधा गोविंद जी के बड़े सुंदर सुंदर झूले सजाए जाते हैं ब्रज में, और जितने भी ठाकुर जी हैं अपने गर्भ मंदिर से बाहर आते हैं, बड़ा सुंदर झूला होता है और भक्त लोग उनको बड़े ही प्रेम से झूला झुलाते हैं। तो इस कीर्तन का बड़ा ही सुंदर भाव है जिसमें कह रहे हैं, एक सखी कह रही है राधे झूलन पदारो झुक आए बदरा। बदरा का मतलब है बादल, बादल नीचे आ चुके हैं, सावन का मास है। झुक आए बदरा गिर आए बदरा, बदरा नीचे गिर चुके हैं, अब तुम क्या करो राधा, आओ और इस झूले पे बैठो। उसके बाद राधा जी ने आज मान किया हुआ है तो सखी उनको कहती है, हट छोड़ो री अली तुम तो परम सयानी वृषभानु की लली, ऐसा मान नहीं कीजो हट छाड़ो री लली। तो वहाँ पे सखियाँ राधा जी को कहती है, हे राधे अब तुमने मान क्यों किया हुआ है, अब तुमने मान क्यों किया हुआ है, ये मान करने का समय नहीं है। क्यों, साक्षात कृष्ण आ चुके हैं, सावन का समय है और तुम ऐसे समय पे मान करके बैठी हो। हट छोड़ो, अब हट छोड़ दो और क्या करो राधे झूलन पधारो। तेरा रसिक प्रियतम हाथ जोड़त खड़ो, तेरा जो रसिक प्रियतम है वो कृष्ण कैसे खड़ा है, हाथ जोड़ के खड़ा है, तेरे से विनती कर रहा है। सारी सखियाँ राधा जी से विनती कर रही है कि आप आओ और झूले पे बैठो। उसके बाद इसमें बड़ा ही सुंदर भाव है, आगे कहते हैं राधा जी के श्रृंगार का वर्णन है कि जो 16 श्रृंगार पहनो पंच रंग साड़ी और श्याम चदरा, कि जो राधा जी हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं। 16 प्रकार का राधा जी का श्रृंगार है जो हम मुनिंद्र वृंद वंदिती की जो हमारी व्याख्या चल रही है राधा कृपा कटाक्ष की, इसमें आगे आएगा किस प्रकार से राधा जी का 16 श्रृंगार है और 12 प्रकार के राधा जी आभूषण धारण करती हैं। तो कह रहे हैं आगे कि ओड़ो पंच रंग साड़ी, आप कौन सी साड़ी पहनते हो, पांच रंग की। ये पांच रंग क्या है, ये पांच रंग कई जगहों पे तो बताया कि ये पांच रंग है, पांच प्रकार के भाव, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, क्योंकि मधुर के अंदर ये पांचों रस आ जाते हैं। लेकिन एक और इसका बहुत गूढ़ तात्पर्य है कि पंच रंग की साड़ी क्या है जो राधा जी पहनती हैं। जो श्रृंगार है, श्रृंगार रस का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण का होता है। कौन सा वर्ण है, श्याम वर्ण। और जो राधा जी का कृष्ण के प्रति अनुराग है, अनुराग होता है गुलाबी वर्ण का। और भाव और महाभाव, जो राधा जी का कृष्ण के प्रति भाव है, भाव का रंग होता है गाढ़ा लाल डार्क रेड। महाभाव का होता है जो राधा जी कौन है, साक्षात महाभाव स्वरूपा है, तो महाभाव का जो वर्ण है वो है तप्त कांचन, यानी कि सोने के समान। तो कह रहे हैं कि आप अपने अनेक अनेक भाव महाभाव अनुभाव से क्या करते हो, कृष्ण की सेवा करती हो। ओढ़ो पंचरंग साड़ी पहनो पंचरंग साड़ी और श्याम चदरा।
और राधा जी कृष्ण का स्मरण होता रहे इसलिए श्याम वर्ण के वस्त्र धारण करती हैं, और ठाकुर जी उनको राधा जी का स्मरण होता रहे तो कौन सा वस्त्र धारण करते हैं, पीत वन, पीत का, यानी कि राधा जी के जो वस्त्र है वो है श्याम, और राधा जी का वर्ण क्या है, तप्त कांचन गौरांगी। 3861 गाड़ी किसकी है, हटा दो। और जो कृष्ण है वो राधा जी का जो अंग है तप्त कांचन, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, पीत वसन धारण करते हैं। तो ये जो झूलन की लीला बड़ा ही सुंदर गुरुदेव वर्णन करते थे, जैसे अभी राखी भी आने वाली है, तो जितनी भी छोटी छोटी गोपियां हैं बचपन में आपस में ब्रज में क्या करती हैं, सावन के समय झूला डालती हैं, बहुत खेलती हैं, लेकिन धीरे धीरे अब गोपियां बड़ी हो चुकी हैं। अब बड़ी होने के बाद इनका विवाह का समय आ चुका है, तो सबके पिता ने अलग अलग सबका विवाह करा दिया है। जब गोपियां बड़ी होती हैं, जब छोटी से बड़ी होती है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कवि कर्णपूर्ण जी, कहते हैं कि जब गोपियां छोटी थी और जब बड़ी हो गई तो फर्क क्या पड़ा, जब गोपियां छोटी थी तो उनकी जो चंचलता थी वो उनके चरणों में थी, अब जब बड़ी हो गई तो उनकी चंचलता चरणों से कहाँ पे आ गई, वो नैनों में आ जाती है। जो बच्चों का जो बुद्धि होती है स्थूल भाग होता है, लेकिन वही स्थूलता कहाँ पे आ जाती है, गोपियों के कमर में आ जाती है। अब गोपियां बड़ी हो चुकी हैं, अब वो सबके सामने आके ऐसे झूला नहीं झूल सकती, अब सबके सामने आके मिल नहीं सकती, लज्जा आती है। लेकिन अब बड़ी होने के बाद सबका शादी भी हो गया है, तो अब जब शादी हो गई है, ये जो सावन का समय आता है, इस समय जितनी भी गोपियां हैं उनके भाई या फिर उनके पिता उनको लेने के लिए आते हैं। जैसे हमारे में होता है ना, राखी के समय क्या होता है, भाई आता है लेने के लिए, कोई ना कोई घर से आता है और भेंट आती है और फिर उसको अपने घर पे जाती है। तो उसी प्रकार से सावन के समय जितनी भी गोपियाँ हैं उनके पिता उनके लिए कुछ ना कुछ भेंट लेके आते हैं और उनको अपने साथ कुछ दिनों के लिए अपने घर लेके जाते हैं। तो राधा जी का विवाह कहाँ पे हुआ है, जावट में। जावट में राधा जी बैठी हैं और आसपास जितनी और अन्य गोपियों का विवाह हुआ था, एक एक करके सबके पिता या कोई ना कोई भाई आया और कुछ भेंट लेके आता है उनके सास ससुर को देके, और अपनी बहन को या अपनी बेटी को अपने घर ले जाता है। अब बहुत समय हो गया है, सावन बीतता जा रहा है लेकिन राधा जी के यहाँ से कोई आया ही नहीं है। इसलिए राधा जी क्या करती हैं, रोज अपने द्वार पे आंगन पे जाके सुबह बैठ जाती है और शाम तक देखती रहती है कि हाँ आज तो कोई ना कोई बरसाना से आएगा, आज तो कोई आएगा। संध्या हो जाती है, कोई आता ही नहीं है। एक दिन राधा जी बाहर बैठी हैं तो कुछ बंजारे जा रहे थे। बंजारे कौन होते हैं, बंजारे वो होते हैं जिनका कोई रहने का स्थान नहीं है, कभी कहीं पे तो कभी कहीं पे रहते हैं। तो राधा जी ने बंजारों से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम वृषभानुपुर की तरफ जा रहे हो, बरसाना की तरफ जा रहे हो, अगर वहाँ पे जा रहे हो तो मेरे पिताजी से पूछना या मेरे भाई से पूछना, क्या बेटी को भूल गए हैं, क्या लेने ही नहीं आते, सबकी तो मेरी सखियाँ थी सबको कोई ना कोई घर से आके लेके चला गया, अभी तक मुझे कोई लेने आता ही नहीं है। और उसी के कुछ क्षणों बाद देखा तो सामने से वृषभानुपुर की और राधा जी दिशा की उस दिशा की ओर मुख करके बैठी हैं, और वहीं से देखा तो एक बैलगाड़ी आ रही है, और देखा तो उसमें कौन है, उसमें आ रहे हैं इनके बड़े भाई। क्या नाम है राधा जी के बड़े भाई का, श्री दाम। क्या नाम है, श्री दाम। श्री दाम आ रहे हैं लेने के लिए। तो जैसे ही देखती है कि श्री दाम मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, राधा जी भागते हुए जाके उनको आलिंगन कर लेती हैं, रोना शुरू करती हैं, बोलती है भैया आप मुझे भूल ही गए थे, पिताजी ने भी स्मरण नहीं किया, नहीं नहीं घर का कुछ ऐसा कार्य था इसलिए विलम्ब हो गए, क्षमा चाहते हैं। फिर जटीला से मिलके, कुटीला से मिलके, अभिमन्यु से मिलके, जो उनकी ननद और सास हैं उनसे मिलके आज्ञा लेती हैं, और आज्ञा लेके फिर उनसे आज्ञा लेके राधा जी को ही अपने साथ लेके जाते हैं वापस अपने पिताजी के पास, कहाँ पे, वृषभानु महाराज जी के पास। अब राधा जी आज आ गई हैं कहाँ पे, वृषभानु महाराज जी के पास। जब राधा जी अपने पिताजी के पास आती हैं, पिताजी से मिलती हैं, अपनी मैया से मिलती हैं कीर्तिदास सुंदरी, और इस जगत में देखना जो बेटी का प्रेम पिता से ज़्यादा होता है और पुत्र का माता से ज़्यादा होता है, तो वृषभानु जी से जब मिलती हैं तो वृषभानु जी और राधा जी का बड़ा ही सुंदर वहाँ पे मिलन होता है। और उसके बाद जितनी भी सखियाँ हैं, जो सखियों का अलग अलग स्थान पे विवाह हो गया था, तो इन दिनों में सारी सखियाँ आपस में वहीं पे आके मिलती हैं,
तो जब सारी सखियां मिलती हैं आपस में क्या करती हैं, वहां पे जितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं उस पे बड़े सुंदर झूले लटका दिए जाते हैं, और ये झूले लटका के फिर सारी सखियां क्या करती हैं, सावन के बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन हैं, जैसे अभी हमने कीर्तन गाया था, राधे झूलन पधारो झुग आए बदरा। एक और कीर्तन है, क्या है वो, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, कैसी छाई हरियाली आली सेवा कुंज में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। तो ऐसे बहुत सारे कीर्तन हैं, तो सारी सखियां क्या करती है, बड़े सुंदर सुंदर झूलन की कीर्तन गाती हैं, और राधा अपनी सखियों के साथ झूला झूलती हैं। अब राधा जी अपनी सखियों के साथ झूला झूल रही हैं, जब कृष्ण को ये पता चलता है तो क्या कृष्ण रुक पाएंगे, कृष्ण तो रुक नहीं पाएंगे, कृष्ण भी भागे भागे बरसाना में आते हैं, और कृष्ण को बरसाना में घुसने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि बरसाना किसका शहर है, राधा जी का, किसी ने देख लिया तो क्या होगा, इसलिए कभी तो क्या बन के आते हैं, बनिहारिन का बेच बनाया शाम चूड़ी बेचने आया, कभी चूड़ी बेचने के लिए चले जाते हैं, कभी ब्राह्मण का वेश धारण करके चले जाते हैं, कभी कोई श्यामा राम की सखी बन के चले जाते हैं, अनेक अनेक रूप धारण करके बरसाना में जाते हैं। तो इसलिए बताया कि बरसाना की एक ऐसी महिमा है जहाँ पे श्याम धरो सखी वेश, जहाँ पे जब श्याम सुंदर भी आते हैं तो उनको छुप के क्या बन के आना पड़ता है, सखी बन के आना पड़ता है। आज बरसाना के बाहर एक बड़ा ही सुंदर कुंज सजाया है गोपियों ने, और तमाल वृक्ष है और कदंब वृक्ष। तमाल वृक्ष किसका प्रतीक है, तमाल वृक्ष किसका प्रतीक है, कृष्ण, कदंब राधा जी का, नहीं पता क्या। तो ये दो वृक्ष है, कदंब और तमाल वृक्ष। तो सखियां क्या करती है, कदंब वृक्ष पे बड़े सुंदर सुंदर झूले लटका देती हैं, और वहां पे गुरुजी बोलते थे कि तमाल वृक्ष जो है वो इतना मजबूत नहीं जितना कदम वृक्ष है, इसलिए कदम वृक्ष में झूले लटकाए जाते हैं। और झूले कैसे हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, अपनी एक उनका ग्रंथ है कृष्ण भावना अमृत, उसमें झूलन लीला का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि वो जो झूले हैं लाल रंग की रस्सी से बड़े सुंदर सुंदर लटके हुए हैं, और वो रस्सी भी कैसी है, बिल्कुल सिल्क जैसी रस्सी है, और उस रस्सी के ऊपर बड़े सुंदर सुंदर मोती लटके हुए हैं, और एक एक मोती मानो कैसा है, एक एक मोती वो ऐसा है, उसको देखने के बाद जो वैकुंठ की शोभा है वो भी उसके सामने पराजित हो जाती है, ऐसी वृंदावन की उस निकुंज की शोभा है। हम लोग श्लोक भेजते हैं, कई लोग होंगे श्लोक लर्निंग ग्रुप में, अभी एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आया था जिसको हमने पोस्ट भी किया था कि वृंदावन की शोभा कैसी है उस निकुंज की, एक रज रेणु का पे चिंतामणि वारी डालू, वारी डालू विश्व सेवा कुंज के विहार पे, लतान की पतान पे कोटि कल्प वारी डालू, रंबा हूं को वारी डालू गोपिन के द्वार पे। कह रहे हैं कि देखो वृंदावन की कैसी शोभा है, एक रज रेणु का पे चिंतामणि वारी डालू, वारी डालना मतलब होता है ना, अगर कोई बहुत अच्छा नृत्य कर रहा है तो हम क्या करते हैं, जेब से 100 या 500 का नोट निकाल के उसके ऊपर वार के फेंक देते हैं। कह रहे हैं कि एक रज रेणु का पे, ब्रज की जो रेणु है उसकी एक कण पे, उस एक कण की कैसी महिमा है, ब्रज की एक रज की रेणु के ऊपर मैं क्या करूँ, चिंतामणि को वारी डालू। चिंतामणि क्या है, एक ऐसी मणि जिससे जो आप चिंता करोगे वो आपको दे सकती है, जितना सोना चाहो जितना हीरा चाहो सब मिल सकता है। फिर कह रहे हैं कि उसके बाद पूरे विश्व को, जो सेवा कुंज में राधा गोविंद का जो इतनी सुंदर विहार की लीला है, उस लीला का दर्शन करने के बाद मन में आता है कि मैं क्या दूं, कि मेरे को इतनी ऊंची दर्शन हो गए, अगर मैं पूरे विश्व का मालिक होता तो मैं पूरे विश्व को ही वार देता, किसके ऊपर, उस सेवा कुंज के विहार पे। लतान की पतान पे कोटि कल्प वारी डालो, जो ब्रज में जो लताएं हैं, कह रहे हैं लता का एक पत्ता ले लो, एक पत्ता, उस लता के एक पत्ते की क्या महिमा होगी, कि उस एक पत्ते के ऊपर मैं क्या करूं, जो कल्प वृक्ष है स्वर्ग में, कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष से जो भी आप इच्छा करोगे वो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। ब्रज के एक पत्ते के ऊपर मैं स्वर्ग के सारे कल्प वृक्ष को क्या करूं, वार के उठा के फेंक दूं। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, रंबा हो को वारी डालूं गोपिन के द्वार पे। रंबा कौन है, स्वर्ग की अप्सरा है, गोपियों का तो कहना ही क्या, गोपियों के द्वार पे ही उसको वार के मैं फेंक दूं, मतलब उसको त्याग दूं, फेंक के दूं उसको, त्यज्य उसको भी त्याग दूं। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, वैकुंठ को वारी डालूं ये जो कलंदी की धार पे,
जो वैकुंठ है जहाँ पे लक्ष्मी जी रहती हैं, जहाँ पे विष्णु रहते हैं, कह रहे हैं उसकी भी क्या महिमा होगी इस कलंदी की धारा के आगे, इस यमुना की धारा के आगे, इस यमुना की धारा के जल के छींटे के ऊपर मैं तो पूरे वैकुंठ को वार के डाल दूँ। उसके बाद आगे कहते हैं, ब्रज की पनी हारिन पे रति सची को वारी डालूँ। रति कौन है? कामदेव की पत्नी। सची कौन है? इंद्र की पत्नी। इनको भी मैं वार दूँ, किसके ऊपर? जो ब्रज की पनिहारिन है, जो ब्रज में जल भरने के लिए जाती है। सब देवन को वारी डालूं नंद के कुमार पे, और जो नंद बाबा का पुत्र है, जितने भी देवता हैं सबको वार दूं, सबको वार के त्याग दूं, किसके ऊपर? नंद बाबा के पुत्र के ऊपर। ऐसी वृंदावन की शोभा है। तो कह रहे हैं कि उसी वृंदावन के ऊपर जब ये झूला लटका हुआ है, सामने देख रहे हो झूला लटका हुआ है, दिख रहा है वो चल भी रहा है, किसको दिख रहा है भाई चलता हुआ, हमें भी दिखा दो, हमें तो दिखता नहीं। तो ये जो झूला है इस प्रकार से देखो, उस पर भी लाल रस्सी है ना, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बनाया शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे जब झूले लटक जाते हैं तो कई प्रकार के झूले होते हैं। एक तो ये झूला होता है जो आप देख रहे हैं, जिसमें राधा और कृष्ण दोनों एक साथ बैठते हैं, और जो झूले की जो वेदी है ये सोने की वेदी बनाई जाती है, स्वर्ण की वेदी होती है। और ऐसा ही एक झूला होता है जो आमने सामने होता है, जिसमें दो वेदी होती है, एक तरफ राधा जी बैठी हैं, एक तरफ कृष्ण बैठते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हुए। तो आज सावन में राधा जी के लिए ऐसा झूला लगाया है जिसके ऊपर एक तरफ जी राधा जी बैठी हैं, एक तरफ कृष्ण बैठी हैं, और वहाँ पे जितनी भी सखियाँ हैं, कोई सखी अपने हाथ में क्या करती हैं, पुष्प ले लेती हैं, और पुष्प लेके उनके ऊपर जब वो झूला झूलेंगे पुष्प डालती हैं। कोई सखी अपने हाथ में क्या करती है, वीणा लेके बड़ा ही सुंदर गीत गाती है। कोई अपने हाथ में मृदंग ले लेती हैं, अनेक जो उनके वहाँ के यंत्र हैं उनको लेके बड़ा ही सुंदर झूला झुलाते हुए गीत गाया जाता है। और जब सब गीत गा रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ राधा जी की जो प्रिय नर्म सखियाँ हैं वो उनको बड़े प्रेम प्रेम से ऐसे झूला झुलाती हैं। और जैसे ही झूला नीचे आता है तो एक सखी अपने हाथ में क्या करती है, पान लेके खड़ी है, एक सखी अपने हाथ में सुपारी लेके खड़ी है, एक सखी अपने हाथ में जल लेके खड़ी है, तो कोई सखी अपने हाथ में फल लेके खड़ी है। और जैसे ही उनका झूला यूँ नीचे आता है और ऊपर जाता है तो सखियाँ क्या करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। और इस प्रकार की शोभा को देखते हुए जब राधा गोविंद झूला झूल रहे हैं, राधा जी का वर्ण कैसा है, सोने के समान, कृष्ण का है शाम के समान। तो मानो ऐसा लगता है कि काले मेघ में कोई बिजली चमक रही है। तो उसमें ऊपर से जब आसमान से मेघ देखते हैं कि भाई हमसे सुंदर मेघ तो नीचे है, हमसे सुंदर बिजली भी नीचे है, तो हमारा यहाँ पे क्या कोई प्रयोजन है, हमारा तो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है। मेघ वहाँ से चले जाते हैं, और मेघ का धन क्या है, मेघ का धन है वर्षा। वो तो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, कम से कम इनकी शोभा के ऊपर अपनी वर्षा को ही वार के चले जाएं। तो वो अपने जल को नीचे गिराना शुरू करते हैं, और जब एक एक बूंद जल की नीचे गिरती है, साथ में सखियां क्या कर रही हैं, फूल फेंक रही हैं। तो जो फूल है, फूल के ऊपर जब जल की बूंद स्पर्श होती है तो वो जल जल नहीं रहता, वो जल क्या बन जाता है, बताया वो शहद के समान एक अमृत बन जाता है। तो मानो जब राधा कृष्ण झूला झूल रहे हैं उनके ऊपर फूलों की और अमृत की वर्षा हो रही है। अब कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण बड़े चतुर हैं और बड़े चंचल हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं, झूले को अपने चरणों की गति से उसको तेज करना शुरू करते हैं। अभी तो सखियां झूला रही थी, अब जब तेज करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे झूला जो है तेज होना शुरू होता है। अब सब सखियों को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। कृष्ण इतनी चतुराई से उस झूले को तेज कर देते हैं कि वो अब सखियों के हाथ से बाहर हो जाता है, अब सखियों के पास भी नहीं आ पाती। अब झूला इतना तेज हो गया कि एक तरफ जब यूं ऊपर उठता है तो राधा जी बिल्कुल ऊपर आसमान में कहां बादल में गायब हो जाती है। तो सारी सखियां डर जाती हैं कि अरे हमारी राधा जी कहां गई, हमारी राधा जी कहां गई। और जब यूं जाता है तो इधर कृष्ण गायब हो जाते हैं। तो एक तरफ झूला यहां पे जाके गायब हो रहा है, एक तरफ यहां पे जाके गायब हो रहा है, और राधा जी को बहुत डर लगता है। अब राधा जी बहुत डरने के कारण क्या करती हैं, अपनी सखियों को बुलाना शुरू करती हैं। लेकिन सखियां भी अभी क्या कर सकती हैं, झूला तो किसके हाथ में है, अब कृष्ण के हाथ में है। और राधा जी डर के क्या करती हैं, जब उनको बहुत डर लगता है, जब झूला बहुत ऊपर चले जाता है, जितना वो अपनी सखियों को बुलाती है उतना कृष्ण और तेज करते रहते हैं। फिर राधा जी क्या करती हैं, जो उन्होंने दोनों हाथ से झूला पकड़ा है, डर के एकदम कृष्ण को पकड़ के उनका आलिंगन कर लेती हैं। और जैसे ही राधा जी कृष्ण का आलिंगन करती हैं, कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे कि जो झूलन महोत्सव है ये एक ऐसा महोत्सव है जिसमें कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।
और कृष्ण राधा जी का आलिंगन पाके कृष्ण को भी आध्यात्मिक भाव आ जाता है। और कृष्ण क्या करते हैं, धीरे 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 अब उसको धीरा करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जैसे झूला धीरे होता है, रुकता है, उसके बाद सब सखियाँ फिर सेवा करती हैं। अब उसके बाद राधा जी जो है, कृष्ण जो है ललिता को बोलते हैं, ललिता क्या अब तुम झूला झूलोगी? ललिता बोलती है हाँ हाँ, तूने तो हमारी राधा जी को बहुत डराया, अब मैं तेरे को डराती हूँ। तो ललिता जी अब झूले पे बैठ जाती हैं। जब ललिता जी झूले पे बैठ जाती हैं तो कृष्ण फिर से क्या करते हैं, झूले को बहुत तेज कर देते हैं। तो सब सखियों में कंपटीशन हो जाता है कि कौन कृष्ण के साथ झूल सकता है। एक एक करके सबको झूला झूलने का अवसर मिलता है कृष्ण के साथ। और बार बार कृष्ण क्या करते हैं, ऊपर तो ऊपर, इधर तो इधर। अब सारी सखियाँ बोलती हैं कि अब हम दूसरा झूला झूलेंगे। दूसरे प्रकार का झूला कैसा है, जिसमें अब दो दो सखियां हैं और एक कृष्ण है। यानी कि अब जितने भी वहां पे आसपास वृक्ष थे, हर वृक्ष पे सब सखियां बहुत सारे झूले लटका देती हैं और कृष्ण अपना बहुत सारा विस्तार करते हैं। जैसे भगवान ने जब रास किया था तो 100 करोड़ गोपियों के लिए 100 करोड़ रूप के सामने उनके सामने प्रकाशित हो गए थे, उसी प्रकार से अभी कृष्ण क्या करते हैं, हर झूले पे बैठ के झूला झूल रहे हैं। और हर झूले पे जब झूला झूल रहे हैं तो कितनी कितनी गोपियां हैं हर झूले पे, दो दो गोपी और एक एक कृष्ण है। जैसे जब भगवान कृष्ण ने राज किया था तो क्या उन्होंने 100 करोड़ रूप धारण किए थे, या इतनी तीव्र गति से घूम रहे थे कि ऐसा लग रहा था 100 करोड़ रूप धारण किए हैं? एक ही कृष्ण थे, लेकिन वो इतनी तीव्र गति से घूम रहे थे, सबको ऐसे लगा कि 100 करोड़ कृष्ण है। उसी प्रकार से भगवान की जो झूलन लीला है, ये अचिंत्य, इसको हम चिंता नहीं कर सकते, कैसे सारे झूलों पे एक साथ झूला झूलते हैं। उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे, वो देखो चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे नृत्य कर रहे हैं, दिख रहे हैं रथ यात्रा के आगे। जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के आगे नृत्य करते थे तो रथ यात्रा के आगे 7 टोलियां थी, 7 कीर्तन की टोली थी, और सब टोलियों को ऐसे लगता था कि महाप्रभु तो हमारी टोली में ही कीर्तन कर रहे हैं। कुछ टोली तो रथ के पीछे थी, कुछ आगे थी, कुछ दाएं थी, कुछ बाएं थी। अब महाप्रभु तो रथ के आगे कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन पीछे वालों को लग रहा है कि नहीं, आगे नहीं कर रहे, पीछे कर रहे हैं। उसी प्रकार से कृष्ण की ये चतुराई कि किस कृष्ण किस प्रकार से ऐसा झूला झूल रहे हैं कि सब सखियों को लग रहा है कि कृष्ण केवल किसके साथ हैं, हमारे साथ हैं। फिर एक और बड़ा ही मधुर झूला होता है। ये झूला कैसा होता है, ये झूला बना होता है कमल का, और इसकी कमल की आकार होती है, जैसे कमल होता है ना 8 पंखड़ी वाला, तो ये एक 32 पंखड़ी वाला कमल है। इस कमल के बिल्कुल बीच में एक कर्णिका है जिसमें राधा गोविंद बैठे हैं। कमल के पीछे 8 पत्ते हैं, उस 8 पत्तों पे, उस झूले पे कौन बैठे हैं, राधा जी की 8 सखियां बैठी हैं। उन 8 सखियों के पीछे कमल के 16 पंखड़े और हैं, उन 16 पंखड़ियों पे 16 उनकी और सखियां बैठी हैं। और इस झूले के बीच में जितने भी खाद्य वस्तु है जो कि भगवान की सेवा में उनको फल भोग लगेंगे, जो उनको पान आदि का भोग लगेगा, सारी सखियां बीच में लेके बैठ जाती हैं। और उसी झूले के ऊपर सखियां अपने हाथ में कोई चामर ले लेता है, कोई मोरपंख ले लेता है, कोई आरती ले लेता है, और झूला भी झूलते रहते हैं राधा गोविंद। और झूला झूलते हुए जितनी सखियां हैं हाथ में क्या करती रहती है, उनकी सेवा भी करती रहती है। अब जब ये झूला चल रहा है तो पेड़ के ऊपर जितनी भी लताएं हैं, वो लताएं कह रही हैं कि जब हमारे राधा गोविंद झूला झूल रहे हैं तो हम भी उनको झूला झूलाएंगे। तो पेड़ की जितनी लताएं हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी हिलना शुरू कर देती हैं, वो भी झूलना शुरू कर देती हैं। जितने वहाँ पे पशु पक्षी हैं, जब वो राधा गोविंद के झूलन को देखते हैं, वो भी झूलना शुरू कर देते हैं। तो ये भगवान की जो झूलन लीला है, जो सावन में हुई है, ये बड़ी ही सुंदर लीला है। लेकिन हम भी तो झूला झूल रहे हैं, किसमें? शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, गोपीनाथ नहीं आर सहे जन्म मरण माला, कि हम लोग भी झूला झूल रहे हैं, किसमें? जन्म और मरण में। लेकिन कब ऐसा होगा कि हमें एक ब्रज के किसी जन की कृपा मिलेगी, किसी वैष्णव या गुरु की कृपा मिलेगी, और हमारे हृदय के अंदर भी एक ये लालच आ पाएगा कि नहीं, मुझे भी जाना है, कहाँ पे? उस राधा गोविंद की उस लीला में। मैं कब वहाँ पे जाके उनके दर्शन कर पाऊँगा, कब मैं वहाँ पे जाके उनकी सेवा कर पाऊँगा? और जब हमारे हृदय के अंदर इन कथाओं को सुनते सुनते एक लौल्यम प्रकट होगा, तब उसके हृदय से ये प्रार्थनाएं निकलेंगी। कैसी प्रार्थना?
जैसी प्रार्थना शिवजी ने करी है जब वो पहुंचे हैं कहाँ पे, ब्रज ब्रज में, वहां पे उन्होंने क्या प्रार्थना करी है जिसको हम श्रवण कर रहे थे, मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करीश सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। तब जाके उसके हृदय के अंदर ऐसी कातरमय प्रार्थना निकलती है, रोते हुए वो प्रार्थना करता है, कदा करीश सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब ऐसा होगा कि राधा जी का कृपा कटाक्ष मुझे प्राप्त होगा। तब उसके हृदय में संसार की कोई वासना रह ही नहीं जाती है, क्योंकि जो प्रेम है, प्रेम का एक लक्षण है, प्रेम का एक लक्षण है कि जब हमारे हृदय में प्रेम आएगा तब संसार की कोई वासना रह ही नहीं जाएगी, कोई वासना नहीं रह जाएगी। अगर हमारे हृदय में संसार की कोई वासना रह गई है और हम उस वासना को लेके भगवान की सेवा करते हैं तो वो सेवा नहीं कहलाती, वो एक प्रकार का कोई ना कोई हमारा भगवान से स्वार्थ है। जैसे एक माँ जब बच्चे की सेवा करती है और घर में एक मेड है वो भी बच्चे की सेवा करती है, मेड जब बच्चे की सेवा कर रही है उसका क्या है, स्वार्थ है, वो सेवा नहीं है, सेवा किसकी है, माँ की है। उसी प्रकार से हम भगवान की सेवा भी करें और सोचे कि हमारे हृदय के अंदर संसार की वासनाएं भी रहे, वो संभव ही नहीं है। जब एक जीव के हृदय में ये प्रेम आएगा तो उसके हृदय से संसार की वासनाएं अपने आप ही चली जाएंगी और तब हृदय में केवल एक ही वासना रह जाएगी, हरी हरी कबे मोरा हई बे सुदीना भ्रजी बे राजा कृष्णा हया प्रेम दीना, कि कब ऐसा होगा कि मैं भगवान तेरा भजन करूंगा और भजन करते करते उस प्रेम के अधीन हो जाऊंगा, मेरे हृदय से केवल एक ही आवाज निकलेगी, क्या, केवल राधा गोविंद की आवाज निकलेगी, मुखे राधा गोविंद बोले भासे नयनेर जले, मुख से केवल राधा गोविंद का नाम निकलेगा और आंखों से उन्हीं के लिए आंसू निकलेंगे, तब संसार की कोई वासना नहीं रह जाएगी। ये एक बहुत ऊंची स्थिति है। तो जिसको इस रस में प्रवेश करना है उसको क्या करना पड़ेगा, जिसको इस रस में घुसना है उसकी एक पद्धति है जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने दी है, जब हम उस पद्धति को फॉलो करेंगे तब जाके हम इस ब्रज के रस में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है। अगर ब्रज के रस में प्रवेश करना इतना आसान होता तो शिवजी प्रार्थना कर रहे होते क्या, शिवजी का नाम क्या है, शिवजी तो आशुतोष है, सबकी क्या करते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन यही शिवजी को भी ये रस प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए शिवजी ब्रज में जाके क्या कर रहे हैं, याचक बन गए हैं। वो तो दाता है ना, लेकिन ब्रज में दाता नहीं है, ब्रज में कैसे है, वो याचक है, दुनिया उनके पास आके अपना माथा रगड़ती है, लेकिन वो ब्रज में आके क्या कर रहे हैं, उस मस्तक के ऊपर अपने पांचों सर से मस्तक रगड़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, कदा करीश सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। इसलिए उनका ब्रज में नाम है आशेश्वर महादेव। आशेश्वर महादेव इसलिए नहीं कि वो सबकी आशाएं पूरी करते हैं, आशेश्वर महादेव उनका इसलिए नाम हुआ कि जिस आशा को वो ब्रज में लेके आए थे, ब्रज की रज ने क्या किया, उनकी उस आशा को पूर्ण किया और तब जाके उन्होंने इन सारी प्रार्थनाओं को गाया है। तो जो दूसरा श्लोक है मुनिन्द्र वृंद वंदिते का, उसको आज हम शुरुआत करते हैं। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभारुडांगरी कोमले वरा भय स्फुरत करे प्रभूत संपदान कदा करीश सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। पहले वाले श्लोक की व्याख्या याद है किसी को, देख के आया कोई, नहीं पिछली बार बोला भी था मैंने, याद है, नहीं भूल गए, मुनिन्द्र वृंद वंदिते की। इसमें बड़ी ही सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष कौन सा होता है, देखा हुआ है सबने, कौन सा होता है, जो अशोक वृक्ष है वो किसका प्रतीक है, अशोक वृक्ष जो है वो कामदेव का प्रतीक माना जाता है, जैसे पीपल का पेड़ है ना ब्रह्मा जी का होता है, सबका अलग अलग एक है, तो जो अशोक वृक्ष है वो कामदेव के प्रति समर्पित है वृक्ष शास्त्रों के अनुसार। तो कह रहे हैं उस ब्रज की का वर्णन कर रहे हैं कि इसमें देखो वो केवल जैसे हम जब किसी की महिमा गाते हैं, जैसे यहाँ पे राधा जी की महिमा गा रहे हैं, लेकिन केवल राधा जी की नहीं गा रहे, राधा जी की जो सखियाँ हैं, राधा जी की जो तदीया वस्तु है, जो वृंदावन धाम है, अगर देखा जाए तो राधा जी का उन जिन जिन के साथ संबंध है उन सबके साथ संबंध युक्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं। अशोक वृक्ष वल्लरी, अशोक का जो वृक्ष है
उसकी जो वल्लरी है, उसकी जो लताएं हैं, अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते। राधा जी को बोल रहे हैं कि राधा जी आप कहाँ पे स्थित हो? आप स्थित हो उस निकुंज के अंदर जो अशोक का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे उस कुंज बने हुए हैं, उनकी लताओं से एक बड़ा ही सुंदर कुंज बना हुआ है। उस कुंज का जो मंडप है, उस मंडप पे राधा जी स्थित हैं। अब वो अशोक वृक्ष का मंडप कैसा है बताया, बड़ा ही सुंदर लीला का वर्णन आता है इसमें। कह रहे हैं कि कृष्ण आज राधा जी से मिलने के लिए गए हैं। कृष्ण जब राधा जी से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे राधा जी अपनी सखियों को बोलती है कि आज जब कृष्ण हमसे मिलने के लिए आएंगे तो तुम आसपास खड़े हो जाना, कृष्ण को मुझसे मिलने मत देना। तो सारी सखियाँ आसपास खड़ी हो जाती हैं और अंदर राधा जी उत्सुक हैं कि कब कृष्ण आएंगे, लेकिन जब कृष्ण आते हैं तो निषेध करती हैं सब सखियों को, खड़े हो जाना, कृष्ण से मुझे मिलने मत देना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रेम है वो टेढ़ा होता है। प्रेम कैसा होता है? टेढ़ा। इस जगत में प्रेम नहीं है, जो वास्तविक प्रेम है वो उसी जगत में है, प्रेम इस जगत में है ही नहीं। सारे जितने भी संत हैं उन सब ने एक ही बात बोली है, इस जगत में प्रेम नहीं है, इस जगत में क्या है? काम है। तो शिल रूप गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम कैसा होता है, अहेर गति प्रेम न स्वभाव कुटिलो भवेत, कि जो प्रेम है उसकी गति कैसी होती है? सांप के समान होती है। सांप सीधा चलता है क्या? कभी सांप टेढ़ा चलता है। तो कह रहे हैं अहेर गति प्रेम न स्वभाव कुटिलो भवेत, जो प्रेम है ये कुटिल होता है। कुटिल मनोर समझते हो, कुटिल बोलते हैं ना, बड़ा कुटिल हो। ये प्रेम एक ऐसी चीज है कि बाहर से ये इतनी कुटिलता धारण करता है, लेकिन इसके अंदर का जो भाव छुपा हुआ है वो केवल प्रेमी ही समझ सकता है। कैसे? एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण हमें महाराज जी देते थे, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को उदाहरण देते थे कि प्रेम बाहर से कुटिल रूप कैसे धारण करता है। प्रेम में हाँ का मतलब ना होता है, ना का हाँ, कुछ भी हो सकता है, है ना। भूख लगी है, नहीं लगी, हो सकता है लगी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रेमी है वो ही समझ पाएगा। इसलिए प्रेम राज्य के अंदर जो भाव है, भाव का महत्व है, शब्द का तो वहाँ कोई महत्व ही नहीं है। जो भाव को समझ सकता है वो ही शब्द के पीछे जो छुपे अर्थ है उसको समझ पाएगा। तो एक राजा था, ये महाराज जी उदाहरण देते थे, वो राजा अपना राज्य हार गया, और जब वो राज्य हार गया युद्ध में अपनी जान बचाने के लिए वो जंगल में भाग गया। अब जंगल में भाग गया तो वहाँ पे कई सालों तक जंगल में ही रहा, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुकी है और अब उसको कोई पहचानता नहीं है, और अगर वो अपनी दाढ़ी काटेगा तो हो सकता है राजा उसको पहचान ले और उसको मार दे, इसलिए वो जंगल में ही रहता है। अब लगभग कई वर्ष जब बीत गए, उसके मन में आया कि मैं अपनी रानी से जाके मिलता हूँ। जब राज्य में गया तो पता चला कि जो इसकी रानी है, नए राजा ने इसकी रानी को कैद किया हुआ है। तो इसने बोला कि देखो भाई ऐसा है, मेरे को अपनी रानी से तो मिलना है, कैसे मिलने जाऊँ? तो इसने वहाँ के मंत्रियों को बोला कि मैं एक गुरु हूँ, जो पहले वाला राजा था उसकी जो रानी थी मैं उसका गुरु था, तो मैं अपनी शिष्या से मिलना चाहता हूँ, मुझे आदेश दो कि मैं अपनी उससे मिल सकूँ, मुझे आज्ञा दो। तो मंत्रियों ने आज्ञा दे दी कि चल भाई इसका गुरु है, कुछ नहीं होता, जाके रानी से मिल ले, राजा तो मर चुका है, सब यही सोच रहे हैं। अब जैसे ही ये साधु उससे मिलने गया अपनी रानी से, तो रानी इसको देख के रोने लगी और ये भी उसको देख के रोने लगा। अब जैसे ही रानी ने देखा कि ये इतना रो रहा है, हो सकता है कहीं कोई इसको पकड़ ना ले, उतने में ही रानी ने क्या किया, अपने आंसुओं को रोक लिया और वहाँ पे जो सिपाही खड़े थे बोला, खबरदार इसको उधर अंदर आने दिया, इसको यहाँ से भगा दो, ये कोई मेरा गुरु नहीं है, ये झूठ बोलता है, ये मेरे ऊपर क्या करने आया है, मेरे साथ कुछ गलत करने के लाए, इसको भगा दो यहाँ से। और उसकी तरफ से मुख मोड़ के बैठ गई और मंत्रियों ने भी उसको दो चार मारे और उसको भगा के वहाँ से हटा दिया। अब ये रानी जो उससे प्रेम करती थी, इसको कोई समझ पाया? कौन समझ पाया? केवल राजा ही समझ पाया कि वो उसका कैसा प्रेम था, लेकिन और तो कोई उसके भाव को समझ नहीं पाया। तो उसी प्रकार से जो प्रेम का राज्य है, महाराज जी बोलते थे कि शिल रूप गोस्वामी जी श्लोक को बोलते हैं कि प्रेम कैसा है? कुटिल है, यानी कि बाहर से एक सर्प की तरह चलता है। तो वहां पे कहते हैं, हमारी राधे प्रीति रीति पहचाने, अति अली किशोरी प्रीति रीति को इन बिनु कहु ना जाने। ये ब्रज में कहते हैं, ब्रज के जो रसिक हैं, हमारी राधे प्रीति रीति पहचाने,
कि जो केवल राधा जी हैं उन्हीं को ही प्रेम करना आता है और किसी को तो प्रेम करना आता ही नहीं है। जो वास्तविक में प्रेम को निभाना जानते हैं वो कौन है, केवल ठाकुर जी और राधा जी हैं, और कोई प्रेम को निभाना जानता ही नहीं है। और उसमें भी अगर विशेष देखा जाए तो प्रेम की गुरु है राधा जी। कृष्ण ने भी अगर प्रेम करना सीखा है, गुरु जी बोलते थे कहाँ से सीखा है, राधा जी से ही सीखा है। तो वहाँ पे जो कृष्ण पहुँचते हैं उस निकुंज के अंदर और वहाँ जितनी भी सखियाँ हैं, राधा जी बोलती है कि आज कृष्ण को मुझसे मिलने मत देना और आज मैं कुछ भी काला नहीं देखना चाहती। तो कृष्ण कहते हैं काले हैं, इसलिए आज निकुंज में जितना भी काला है सबको छुपा दो। यहाँ तक कि राधा जी कहती हैं जो मेरे बाल हैं मेरे बालों को भी आज क्या करो, छुपा दो, मैं अपने बाल भी नहीं देखना चाहती, मुझे आज कुछ काला देखना ही नहीं है। अब कृष्ण आते हैं, कृष्ण जब वहाँ पे आते हैं उस मंडप के अंदर निकुंज में, राधा जी की जितनी भी सखियां हैं कृष्ण को बहुत निषेध करती हैं, कृष्ण उनके साथ बहुत वाक चतुराई करते हैं। जब उनके बीच में आपस में बड़ा ही सुंदर हास परिहास और वाक चतुराई होती है जिसका समय नहीं है, कभी समय मिला तो उसका ही कभी अलग से प्रसंग लेंगे, बड़ी ही सुंदर उनकी आपस में वार्तालाप है। उसके बाद जब कृष्ण देखते हैं कि आज मेरी दाल गलने वाली नहीं है, मुझे राधा जी से मिलने नहीं देंगे, उतने में ही क्या होता है वहाँ पे, एक कृष्ण पहले से ही प्लानिंग करके आते हैं सारी, एक सखी आती है नंदनी मुखी, वो अपने हाथ में एक पत्र लेके आती है, वो पत्र कृष्ण को देती है। कृष्ण उस पत्र को खोल के पढ़ते हैं, जैसे ही उसको पढ़ते हैं उसको एकदम से पत्र को ऐसे दबा लेते हैं जैसे मानो उसके अंदर कुछ बहुत गोपनीय बात लिखी हो, और उसको छुपा के एकदम से कुंज के बाहर भाग जाते हैं, बहुत दूर भाग जाते हैं। सब सखियाँ कहती है अरे ये क्या हो गया, ये तो हमेशा आते हैं हमारे सामने कितनी कातरमय प्रार्थनाएं करते हैं और आज इसको पता नहीं ऐसा पत्र में क्या लिखा हुआ मिला कि बिल्कुल भाग ही गया। तो सब उनसे पूछते हैं अरे सखी तूने इसको ऐसा कौन सा पत्र लाके दिया है कि इस पत्र को पढ़ते ही कृष्ण एकदम भाग गए। बोली कि इस पत्र में किसी और अन्य गोपी ने कृष्ण को निमंत्रण दिया है पास के किसी कुंज में, तो कृष्ण आज वहाँ पे चले गए हैं। तो राधा जी बड़ी दुखी हो जाती हैं, कहती है अरे कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए। तो बोली अभी तो जब तेरे पास आ रहे थे तब तो तू उनको बता ही नहीं दे रही थी कितनी देर से प्रार्थनाएं कर रहे थे। तो सब बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कृष्ण राधा जी को छोड़ के किसी अन्य और गोपी के पास चले जाए, वो भी मेरे सामने चले जाए, उनको पता है कि जब बाद में आऊँगा तो मेरी कैसी हालत करेंगी राधा जी। तो इसलिए वहाँ पे सब सखियाँ बोलती है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, कुछ और बात है बताओ। तो बोलती है कि देखो कल रात को कृष्ण मिलने के लिए आए थे पौर्णमासी देवी से, ब्रज में एक देवी है जिनका नाम है पौर्णमासी देवी, सब उनको मानते हैं। तो कल कृष्ण पौर्णमासी देवी से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने पौर्णमासी देवी को बोला था कि देखो जो राधा जी है वो हमेशा वाम्य रूप धारण करती है। वाम्य रूप समझते हो, दो प्रकार का भाव होता है, एक होता है दक्षिण एक होता है वाम्य। वाम्य भाव का मतलब होता है जिसके अंदर जो नायिका है वो नायक के ऊपर हावी हो जाती है, यानी कि नायक नायिका के आगे क्या होता है बिल्कुल दबाव में रहता है। कृष्ण हमेशा राधा जी के दबाव में रहते हैं और राधा जी उनके ऊपर हमेशा हावी रहती हैं। लेकिन दक्षिण भाव होता है जिसके अंदर जैसे पत्नी और पति का, पत्नी के लिए पति क्या है परमेश्वर है, पत्नी पति को क्या बोलती है परमेश्वर। क्या पति कभी पत्नी के आगे हाथ जोड़ता है या पत्नी पति के आगे हाथ जोड़ती है? कलयुग में तो खैर उल्टा होता होगा, लेकिन तभी सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, हम तो हाथ जोड़ते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो पत्नी हमेशा पति के कंट्रोल में रहती है, तो इसको बोलते हैं दक्षिण भाव, यानी कि हमेशा सबमिसिव मूड धारण करना उनके प्रति। लेकिन एक होता है वाम्य भाव। वाम्य भाव में क्या होता है, जो कृष्ण है वो हमेशा राधा जी के अधीन रहते हैं। लेकिन दक्षिण भाव में क्या होगा, राधा जी गोपी को अपने अधीन रखेंगे। वाम्य भाव में उल्टा, जैसे एक बारी राधा जी जब मान कर लेती हैं, कृष्ण अनेक प्रयास करके भी राधा जी के मान को तोड़ नहीं पाते, लेकिन जब द्वारका की पटरानी ने मान किया तब कृष्ण ने क्या बोला साथ साथ सत्यभामा को, साथ साथ बोल दिया अपना मान तोड़ नहीं तो देखो अभी तेरे पिता के घर भेज दूंगा, उसका मान उसी समय टूट गया। क्या राधा जी को बोल सकते हैं? राधा जी को बोल नहीं सकते। तो वहाँ पे राधा जी ने वाम्य भाव धारण करती हैं। तो कृष्ण रात को आए थे पौर्णमासी देवी के पास और उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि राधा जी ने वाम्य रूप धारण किया हुआ है, हमेशा जब देखो वाम्य भाव धारण करती हैं और सब गोपियों के सामने मुझे क्या करती हैं परास्त कर देती हैं, तो मुझे कुछ ऐसा मंत्र दो तुम जिस मंत्र से मैं राधा जी का जो वाम्य भाव है उसको खंडन कर सकूँ और राधा जी को भी मैं क्या करूँ दक्षिण भाव में ले आऊँ और राधा जी मेरे अधीन हो जाएँ। तो पौर्णमासी देवी बोली भाई ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं भी तो राधा जी के अधीन हूँ, ऐसा तो मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। नहीं नहीं तुम तो देवी हो ब्रज की, तुम्हारे पास कोई ना कोई तो मंत्र होगा। वो बोलती है चलो आज रात को मैं साधना करूँगी, कल सुबह तुम्हें मंत्र दूंगी। तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वहाँ पे
तो ये नंदिनी मुखी सखी बोलती है कि वो जो पत्र था उस पत्र में मेरे को पौर्णमासी देवी ने दिया था वो मंत्र लिख के, जो मंत्र कृष्ण को मिला है, अब वो भाग गए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, किसी निर्जन स्थान में बैठ के तपस्या करके उस मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं। और जैसे ही उनकी मंत्र की सिद्धि हो जाएगी राधा जी, फिर तुम उनके सामने वामन रूप धारण नहीं कर पाओगी। और कृष्ण को आनंद आता है, कृष्ण को आनंद आता है जब कोई उनको क्या करता है, जब कोई उनको कंट्रोल करता है, जब कोई उनको आपना के बड़ माने, आमा के सम अधीन से ही भावे है आमी तार अधीन। कृष्ण कहते हैं जब कोई अपने आप को मुझसे बड़ा मानता है और मुझे अपने प्रेम के अंदर क्या करता है, दबा देता है, मैं उसके प्रेम के अधीन हो जाता हूँ, तब वो जैसा बोलता है वैसा मैं करता हूँ, तब भगवान को नहीं याद रहता कि मैं भगवान हूँ। ब्रज में ये भाव कभी भी नहीं है कि मैं भगवान हूँ। तो वहाँ पे राधा जी जब ये वामे भाव का कृष्ण मंत्र पढ़ते हैं, अब सारी सखियाँ ढूंढने लग जाती हैं, चलो भाई जल्दी जल्दी ढूंढो, उसकी तपस्या को भंग करेंगे हम लोग। अब कृष्ण किसी निर्जन स्थान में बैठ के मंत्र का जप कर रहे हैं। अब ये आते हैं ललिता जी के पास, और ललिता जी के पास आके बोलते हैं, ललिते देख मैंने मंत्र में सिद्धि कर दी है, अब जल्दी बता तेरी स्वामिनी राधा कहाँ पे है। तो राधा जी को डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि अब उल्टा हो जाए कि मैं कृष्ण के वश में हो जाऊं, अभी तक तो कृष्ण मेरे वश में थे। तो इसलिए राधा जी क्या करती है, किसी अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थित है। तो राधा जी किसी अशोक वृक्ष का बना हुआ एक बड़ा ही सुंदर मंडप है, जिसके उस मंडप के अंदर राधा जी जाके छुप जाती हैं। और ललिता बोलती है कि देख कृष्ण आज तो राधा जी जल्दी ही घर चली गई हैं। कृष्ण बोलते हैं अरे ललिते मेरी मंत्र में सिद्धि हो चुकी है, तू मुझे झूठ नहीं बोल सकती, मुझे अच्छी तरह पता है राधा जी कहाँ है। तो विशाखा कहती है देख ललिता इसकी तो मंत्र में सिद्धि हो चुकी है, अभी तो ये राधा जी को वश में कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमें भी कर ले, इसलिए चुपचाप बता दे और हम दोनों ऐसे खिसक लेते हैं। तो विशाखा के कहने पे ललिता बता देती है कि हाँ हाँ सामने तो अशोक वृक्ष है, उसी के मंडप पे राधा जी जाके छिप हुई है, जाके मिल लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी कृष्ण अपना मंत्र का प्रभाव डाल दें। तो कृष्ण अब राधा जी के पास चले जाते हैं और राधा जी को बोलते हैं कि देखो राधा मैं तुम्हारे अधीन हूँ, मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे अभी भी अधीन हूँ, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। तो राधा जी कहती है अरे लंपट तुझे पता भी नहीं कैसे एक ब्रज की स्त्री से बात करते हैं, तूने सब स्त्रियों को समझ के क्या रखा है, पौर्णमासी देवी से मेरे बारे में पूछ लेना, सारा जगत जानता है कि मैं कितनी बड़ी सतीव्रता हूँ, और तुझे शर्म नहीं आती मेरे सामने ऐसी बातें करता है। कृष्ण कहते हैं देख अभी तक तो मैं देखो आराम से बोल रहा हूँ, नहीं तो मंत्र का प्रयोग करूंगा। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी के ऊपर मंत्र फूंक देते हैं। और राधा जी के ऊपर मंत्र फूंकने के बाद सारी सखियाँ बाहर बैठी हुई हैं, सखियाँ बोलती हैं अभी तक ये दोनों आए क्यों नहीं, देख तो सही हुआ क्या है। तो सखी अंदर उसी अशोक वृक्ष का जो मंडप सजा हुआ है उसके अंदर जाके देखती हैं, तो कृष्ण ने राधा जी को भी आज अपने तरह श्रृंगार करके कृष्ण बना के बिठा दिया है, उनके भी सर पे मोर मुकुट दे दिया और हाथ में बंसरी दे दी है, और दोनों बैठ के क्या कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। तो सखी अंदर आती है और देखती ये क्या हुआ, हमारी राधा जी तो गायब हो गए, यहाँ पे दो दो कृष्ण हो गए। तो सखी बाहर आके ललिता को बोलती है ललिते अंदर तो आज कुंज में हमारी राधा है ही नहीं, और कौन है वहाँ पे, दो दो कृष्ण बैठे हैं। कहते हैं अरे ये कैसा हुआ, हमारी राधा जी कहाँ, ढूंढो, ढूंढने से मिलती ही नहीं है। तो कोई कहता है कि ऐसा तो नहीं कि इसने अपने मंत्र से उसको भी कृष्ण बना दिया हो, हाँ ऐसा भी संभव है। तो ललिता कहती है अब एक काम कर, हम जाके पहचानते हैं कि कौन सी हमारी वाली है और कौन से कृष्ण है, कौन राधा बनी कृष्ण, राधा कृष्ण बनी है और कौन कृष्ण है। तो एक कृष्ण तो क्या कर रहे हैं, जो राधा जी को उन्होंने क्या किया, एक कुष्ठ आसन दे दिया और हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। तो सब सोचते हैं कि राधा जी तो हमेशा कृष्ण के बाएं अंग में बैठती हैं, तो ये जो बाएं अंग वाली है ना यही हमारी राधा होगी, लेकिन आज कृष्ण ने उल्टा किया हुआ है, बाएं में खुद बैठे हैं और दाएं में राधा जी को बिठाया हुआ है। तो सखी जाती हैं और चुपचाप वो मंत्र दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों की आंखें बंद हैं, उनके कान में जाके पूछती हैं राधे, ओ राधे तू राधा ही है ना, तू कृष्ण तो नहीं है। तो कृष्ण वो किन से पूछ रही है, वो कृष्ण से पूछ रही है। तो कृष्ण राधा जी की आवाज़ें बोलते हैं हाँ हाँ मैं राधा ही हूँ तेरी, इसने कोई ऐसा मंत्र पढ़ के मुझे कृष्ण बना दिया, अब तू जल्दी जल्दी कर मुझे यहाँ से बाहर निकाल। तो सखी बाहर आके ललिता को बोलती है देख देख वो जो बैठी है ना वो हमारी राधा है और वो दूसरा वाला कृष्ण है, उसने हमारी राधा को वो कर दिया है। तो वो कह रही है मुझे बाहर निकाल। तो वहाँ पे जो राधा जी हैं कृष्ण बनी हुई हैं, आंख बंद करके बैठी हैं, और जो कृष्ण हैं जिनको सखियाँ राधा जी समझ रही हैं, तो एक सखी जाती है उनका हाथ पकड़ के लेके आ जाती है
जैसे उनका हाथ पकड़ती दिखती, इसका हाथ तो बिल्कुल पुरुष जैसा है, ये हमारी राधा कैसे हो सकती है? तो पूछती है, अरे राधा इसे देखो कैसा कृष्ण बनाया, तेरा हाथ भी ऐसे पकड़ने से ऐसे लग रहा है कि साक्षात उसने कृष्ण का हाथ पकड़ा है। तो कृष्ण बोलते हैं कि देख बात ऐसी है, इसने जब अपना मंत्र फूंकना शुरू किया ना तो मेरा पूरा शरीर कृष्ण बन गया, लेकिन मैंने अपने कंठ पे हाथ रख लिया था, मैंने अपने कंठ पे मंत्र का प्रभाव पड़ने नहीं दिया, इसलिए मेरी जो आवाज है वो राधा जी जैसी रह गई, लेकिन बाकी सारा शरीर कैसा हो गया? कृष्ण जैसा हो गया। सखी कहती है तो उसने बड़ा गलत मंत्र पढ़ा है, इसे तो देखो पूरा ही कृष्ण कर दिया, अब हम करें तो करें क्या, उसको तो बाहर लेके आ गए। अब राधा जी कहती है काम कर, हम किसी एक सखी को बोलती है कि हम एक काम कर, हम दूसरे कुंज में चलते हैं ललिता। तो सारी सखियाँ पीछे आती है, नहीं नहीं तुम मत आओ, मैं केवल ये बात केवल ललिता को बताऊंगी कि उसने मेरे साथ किया क्या, और मैं किसी को बताने वाली नहीं हूँ। तो सारी सखियाँ तो बाहर रुक जाती हैं और ललिता को वो अंदर ले जाते हैं। जब ललिता को अंदर ले जाते हैं थे कौन, वो कृष्ण बने, लेकिन वो सोच रही हैं कि राधा जी हैं। तो वहाँ पे उनको जब वो सब कुछ बताना शुरू करती हैं तो वो उनको बता देते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, और ललिता के साथ बहुत हास परिहास करते हैं और ललिता जी को बोलते हैं अब बाहर जाके तू किसी को बताना मत। तो एक एक करके वो बोलते हैं कि मैं सबके कान में बताऊंगा, तो एक एक करके सखियाँ आती रहती है और कृष्ण का सबसे मिलन होता रहता है होता रहता है। अब सारी सखियों को बड़ा फिर बाद में रोष होता है, कहती है अरे इससे तो हम सबको धोखा दिया। और जब पहली वाली को धोखा मिलता है वो सोचती है भाई मुझे मिला तो मैं इसको भी छोड़ूं, इसको भी तो मैं ही बताऊंगी कि ये कौन है, राधा जी हैं। अब उतने में ही फिर कृष्ण क्या करते हैं, उसी वापस कुंज में जाते हैं और फिर से समाधि लगा के बैठ जाते हैं। अब सारी सखियों को तो पता चल चुका है कि ये कृष्ण है। अब सारी सखियाँ आती हैं राधा जी की, उसके मंत्र को उठाती हैं, राधा जी को बोलती हैं राधा जी हमें सब पता चल चुका है कृष्ण ने क्या किया। राधा जी का मोर मुकुट फेंकती हैं और उनको पूरा राधा के रूप में सजाना शुरू करती हैं। उतने में कृष्ण क्या करते हैं, पीछे किसी और कुंज में जाके अब राधा बन के आ जाते हैं। अब वो कितनी राधा हो गई, दो राधा। बोलते हैं नहीं नहीं ये तुम्हारी राधा नहीं है, तुम्हारी राधा तो मैं हूँ। सब सखियाँ बोलती है अरे लंपट हमें पता है हमारी राधा कौन है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं अशोक वृक्ष वल्लरी वेतान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभार उडांगरी कोमले, कि मैं उन राधा जी के चरणों की कृपा का कटाक्ष चाहता हूँ जो राधा जी कहाँ पे बैठी हुई हैं, उस मंडप में बैठी हुई है। और उस मंडप में राधा जी का और कृष्ण के साथ बड़ा ही सुंदर हास परिहास की लीलाएं हो रही हैं। आगे कहते हैं कि ये जो अशोक वृक्ष है, ये जो वृक्ष है इसकी जो वल्लरी है, हमारे जो श्रीधर महाराज जी हैं हर कथा से पहले वो एक मंगलाचरण श्लोक करते हैं, वो श्लोक मुझे आज स्मरण आया, मैंने सोचा इसमें इसको जरूर बोलेंगे। ये श्लोक है प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का, राधा रस सुधा निधि का। राधा कराव चित्त पल्लव वल्लरी के, राधा पदांग विलसनम मधुर स्थली के, राधा यशो मुख या राधा यशो मुखार्वतर खगवल्ली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। जिसके अंदर शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी क्या कह रहे हैं, राधा कराव चित्त पल्लव वल्लरी के, कि राधा जी के जो करारचित, जो राधा जी के हाथों से स्पर्श हुआ क्या है, पल्लव वल्लरी के, जो वहाँ की पल्लव है, जो वहाँ की वल्लरी है, जो वहाँ की लताएं हैं ब्रज की, जिसको राधा जी ने क्या किया है, अपने हाथों से स्पर्श किया हुआ है। राधा पदांग विलसनम मधुर स्थली के, जो वृंदावन की मधुर स्थली है, जहाँ पे राधा जी के चरणों की जिसको स्पर्श प्राप्त हुआ है, जहाँ पे राधा जी के चरणों की रेणु है, तो मैं राधा जी के जो हाथ से कर से जो स्पर्श, जो वहाँ की लताएं हैं, राधा जी के चरणों का स्पर्श, जो वृंदावन धाम की रज है, राधा यशो मुख या राधा यशो मुखारत खगवल्ली के, जो वहाँ के जितने भी खग हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जो कि राधा जी का नाम लेते हैं, राधा विहार विपिने रमता मनो में, जो राधा जी का विहार का विपिन है, राधा जी कहाँ पे विहार करती हैं, उस वृंदावन स्थान में, तो उस वृंदावन स्थान की जितनी भी तदिया वस्तु है, मनताम रमो में, कि जो मेरा मन है उसी में ही रमा रहे। इसलिए हमारे शीला भक्तिवरों ठाकुर जी एक बड़ा सुंदर कीर्तन गाते हैं जिसमें वो क्या कहते हैं,
राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यमुना तीर। कह रहे हैं कि राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यमुना तीर, मैं उस राधा कुंड के तट को, उस गोवर्धन को, उस यमुना को, वहां की जितनी भी स्थलियां हैं उन सबको मैं क्या करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। ये सारी स्थलियां कैसी हैं? तू या लीला उद्दीपक जानी, कृष्ण की जितनी भी लीला स्थली है वो उद्दीपन स्थान है। उद्दीपन स्थान मतलब जानते हो, उद्दीपन स्थान होता है जैसे आपके सामने रसगुल्ला आ गया, एकदम क्या आ जाएगा जीभ में, पानी आ जाएगा। एक माँ, उसका बेटा विदेश पढ़ने के लिए गया हुआ था, 8 साल हो गए थे, अभी तक आया नहीं था, तो एक दिन वो अपने घर में कमरा साफ कर रही थी, कमरा साफ करते हुए उसके बचपन की टी शर्ट सामने आ गई, उस टी शर्ट को देखती आंख उसको क्या हो जाएगा, अपने बेटे का उद्दीपन हो जाएगा, इसको बोलते हैं उद्दीपन हो जाना। तो ये ब्रज की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सारी कैसी हैं, उद्दीपन स्थली है, जो कि क्या करती है, हृदय में प्रेम को उद्दीपन कर देती है। इसलिए हमारे जो गुरु वर्ग थे वो क्या करते थे, अपने पास ब्रज की सारी रज को रखते थे। सुबह उठ के राधा कुंड की रज को मस्तक से लगाएंगे, प्रेम सरोवर की रज को मस्तक से लगाएंगे, बंशीवट की रज को मस्तक से लगाएंगे, यमुना की रेणु को मस्तक से लगाएंगे। ये सारी वस्तुएं कैसी हैं, उद्दीपन स्थली हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो ब्रज का एक एक कुंज है, जो वहाँ की लताएं हैं, पताएं हैं, ये सब क्या है, कृष्ण की उद्दीपन स्थली है। फिर अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभा रुडांगरी कोमले। कह रहे हैं कि राधा जी के चरण कमल कैसे हैं, राधा जी के चरण कमल बहुत कोमल है। कैसे कोमल है, जो अशोक वृक्ष का अगर आपने देखा हो, जो एक फूल होता है लाल रंग का फूल होता है, बताया उसी प्रकार से उससे भी कोमल राधा जी के चरण कमल है, बिल्कुल लालिमा। इसलिए जब राधा जी के चरणों में जब सखियाँ आलता लगाती हैं तो वहाँ पे प्रश्न उठा कि राधा जी के तो चरण पहले से ही लाल है, तो क्या आलता में इतनी शक्ति है उनको और लाल कर सकता है, वो तो वैसे ही इतने लाल है, तो फिर उनके चरणों में आलता लगाना ही क्यों। तो उसके लिए कहते हैं जो सूर्य है, सूर्य को दीपक दिखाते हो या नहीं दिखाते, सूर्य को तो छोटा सा दीपक दिखाते हैं लोग, उसी प्रकार से राधा कृष्ण जितने भी अलंकार धारण करते हैं उनका अलंकार धारण करना कैसा है, भूषण भूषण अंगम, जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है। सूर्य को दीपक दिखाने से क्या सूर्य की रोशनी बढ़ जाती है, क्या सूर्य की तो रोशनी बढ़ती नहीं है, उसी प्रकार से जब, बल्कि दीपक की महिमा बढ़ जाती है कि ये दीपक ने क्या करा है, सूर्य का आरती उतारा है, इसलिए फिर उस दीपक को लोग प्रसादी के रूप में ले लेते हैं। उसी प्रकार से राधा गोविंद जितने भी अलंकार धारण करते हैं उससे उनकी महिमा नहीं बढ़ती, किसकी बढ़ती है, अलंकार की बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं राधा जी के चरण कमल कैसे हैं, मखमल माखन से इंदु के मयूखन से नूतन तमाल पत्र अभा आभरण है, गुल किसे गुलाल से गुलाब जप जावक से पावक प्रवाल लाल गावे भूधरण है। ये कौन गा रहा है, शेष नाग जी गा रहे हैं। कह रहे हैं कि राधा जी के चरण कैसे हैं, मखमल माखन से इंदु के मयूखन से। कह रहे हैं मक्खन, नहीं नहीं नहीं, मक्खन से भी कोमल, बताया चंद्र की किरणें, चंद्र की किरणों से कुछ कोमल हो सकता है क्या, वो तो इतनी सूक्ष्म होती है। कह रहे हैं राधा जी के चरण उससे भी ज्यादा कैसे हैं, उससे भी ज्यादा कोमल है। नूतन तमाल पत्र आभा आवरण है, जैसे कोई नया नया तमाल पत्र हो उसमें जो लालिमा होती है, बताया उससे भी ज्यादा लाल कैसे हैं, राधा जी के चरण हैं। गुल से गुलाल से गुलाब जपा जावक के, जावक का फूल हो या गुलाल हो या गुलाब हो, किसी की भी उपमा राधा जी के चरणों से नहीं दी जा सकती। पावक प्रवाल लाल गावे, कह रहे हैं लाल अग्नि, कह रहे हैं उसकी भी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे राधा जी के चरण कमल है, इतने सुंदर कोमल है। इसलिए जो भक्त हैं क्या प्रार्थना करते हैं, भक्त प्रार्थना करते हैं कि कब हमें राधा जी के चरणों की प्राप्ति होगी, जिसको हमारे शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कीर्तन में कहते हैं, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी, अनायासे पावे गिरिधारी। शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायासे भगवान को प्राप्त करना आसान है मुश्किल है,
कृष्ण को प्राप्त करना आसान है क्या? बड़े बड़े ब्रह्मा देवता भी आज तक भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। कह रहे हैं बहुत अनायास आप गिरिधारी को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए क्या साधन बताया? राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु। अगर अपने इस तनु को राधा जी के चरणों की रेणु से भूषित कर लोगे अनायास पादे गिरिधारी, तब बड़े आसान से आप भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो योगेंद्र दुर्गम गतिर, योगेंद्र के लिए भी दुर्गम है वो, योगेंद्र भी उनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो वहाँ पे बड़े ही सुंदर राधा जी के चरणों की और भी राधा जी के चरणों की बड़ी ही सुंदर महिमा गाई है। इसको फिर आज तो समय हो चुका है, अगली बार इसको पूरा श्रवण करेंगी कि कैसे शिव जी ने कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करी हैं कि कब कदा करीष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कि कब मुझे कृपा मिलेगी। वो कृपा किस चीज़ की मांग रहे हैं? वो कृपा इसलिए मांग रहे हैं कि कब मुझे ऐसी कृपा मिलेगी, मुझे इस वृंदावन के अंदर अधिकार मिलेगा, मैं इसमें प्रवेश कर सकूंगा। इसलिए आखिरी में क्या बोलते हैं? मंडल प्रवेशनम, कि कब मुझे इस मंडल में प्रवेश होने का अधिकार मिलेगा। जिस मंडल में राधा गोविंद की झूलन लीला हो रही है, जिस मंडल में राधा गोविंद जी की बड़ी सुंदर सुंदर हास परिहास विलास नौकाएं कितनी कितनी लीलाएं हो रही है। इसलिए हमें बार बार गुरुदेव एक ही बात बोलते थे कि अगर भगवान से कुछ मांगना है तो इसी भक्ति को ही मांगना, इस भक्ति को छोड़ के और कुछ मत मांगना। हो सकता है कि हमारे हृदय में बहुत सारी वासनाएं होंगी और वो वासनाएं जो है वो गलत है। अपनी वासनाओं को ठीक करो। भगवान से मांगना क्या है उसको सुधारो कि हमें भगवान से क्या मांगना है, इसी ब्रज भक्ति को ही मांगना है और कुछ मांगना नहीं है। और अगर हमने इससे कुछ और कम मांग लिया तो गुरु जी बोलते थे कि तुमने अपने आप को खुद ही ठग लिया, तो कृष्ण तुम्हें ठग लेंगे। तो हमें ठगना नहीं है, हमें क्या मांगना है? कदा करीष सी हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। नितई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। महामंत्र